नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। क्या अमेरिका कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है? क्या अमेरिका भारत के हितों को नज़रअंदाज करते हुए इस मुद्दे पर पाकिस्तान की मदद करना चाहता है? क्या अमेरिका कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने के बहाने दखलंदाजी कर रहा है और पाकिस्तान की मदद करने के लिए दो कदम आगे बढ़ रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि वो इस मुद्दे पर मध्यस्थता करने को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते ये कहा था कि वह कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करेंगे क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ऐसा करने को कहा है। जाहिर है इस पर खूब बवाल हुआ। भारत ने इसका जोरदार खंडन किया और कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा है। कल यानी बृहस्पतिवार को ट्रंप ने वही बात कही है, बस उसमें इतना और जोड़ दिया है कि वो मध्यस्थता तभी करेंगे जब भारत और पाकिस्तान दोनों देश उन्हें ऐसा करने को कहेंगे। भारत का स्टैंड शुरू से रहा है कि कश्मीर दो तरफा मसला है जिसे वह पाकिस्तान के साथ बातचीत कर सुलझा लेगा, इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। भारत कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के एकदम खिलाफ है और वह ऐसा कई बार कह चुका है। यदि कोई कश्मीर पर मध्यस्थता की बात करता है तो साफ है कि वह भारत को परेशान कर रहा है और पाकिस्तान का साथ दे रहा है। फिर डोनाल्ड ट्रंप बार बार मध्यस्थता की बात क्यों कह रहे हैं? साफ है वह पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। यह इससे भी साफ है कि पिछली बार उन्होंने ये बात पहली बार तब कही थी जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान उनसे मिलने के लिए उनके आवास व्हाइट हाउस गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर पर मध्यस्थता करने को कहा है और वह इसके लिए तैयार हैं। भारत ने इसका खंडन किया था, इस पर एतराज जताया था, पर इमरान खान काफ़ी खुश हुए थे और उन्होंने ट्रंप की बात का समर्थन किया था। अमेरिका पाकिस्तान को खुश करना चाहता है, क्यों? इसलिए कि उसे अभी इस्लामाबाद की ज़रूरत है। अमेरिका अफगानिस्तान से इस साल के अंत तक अपनी बची खुची सेना वापस बुला लेगा। वहाँ चुनाव होने हैं और ट्रंप के लोग तालिबान से बात कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में आतंकवादी वारदात न होने दे, कम से कम उन्हें बढ़ावा न दे जैसा वह अब तक करता आया है। ट्रंप कश्मीर मुद्दे पर इसलिए भी हस्तक्षेप करना चाहते हैं कि अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, ट्रंप भी इसमें अपनी किस्मत आजमाएंगे। वह अमेरिका की कश्मीर लॉबी और पाकिस्तानी मूल के लोगों को खुश करना चाहते हैं। इसके साथ ही वह अपने देश के मुसलमानों का भी समर्थन चाहते हैं जिनके बीच उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं है। इस पूरे मामले का भारत के लिए क्या महत्व है? यह भारत के लिए चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भारत की सबसे बड़ी समस्या पर उसके साथ नहीं है। अमेरिका मध्यस्थता की बात कर रहा है और इसके बहाने वह उस मामले में दखलंदाजी कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है और वो चाहता है कि इस पूरे मामले को पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा कर दिया जाए। इस मुद्दे को नरेंद्र मोदी सरकार कैसे निपटेगी यह अभी कुछ दिन बाद मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की सालाना बैठक है, उसमें भाग लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री जाएंगे। वो वहाँ क्या करेंगे, अमेरिकी प्रशासन के किन लोगों से मिलेंगे, क्या बात करेंगे, यह देखने के बाद ही मालूम हो सकेगा कि उन्होंने इसके लिए क्या किया है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।